हमसे क्या दिया हुआ है कि अ नॉन जीरो फंक्शन एफ एक्स इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन वाई इक्वल टू एक्स देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट दिस ये होल्ड करता है सच दैट इज. ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, मतलब इफ अ फंक्शन, इफ अ फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई इक्वल टू एक्स, अगर कोई फंक्शन वाई इक्वल टू एक्स के अराउंड सिमेट्रिक है तो दिस इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स. ठीक है, अगर कोई फंक्शन सिमेट्रिक है वाई इक्वल टू एक्स के अराउंड इसके अबाउट, तो एफ एक्स क्या किसके बराबर होता है, एफ इनवर्स एक्स के बराबर हो जाता है. ठीक है, ठीक है, तो अब जो हमें कंडीशन दी हुई है वो क्या दिया हुआ है, एफ स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स एफ एक्स इंटू एफ इनवर्स एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर एफ एक्स. ठीक है, तो अब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज इस कंडीशन यूज करते हुए मैं एफ इनवर्स एक्स को क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स लिख सकता हूँ. तो इसका मतलब है एफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फिर से एफ एक्स का होल स्क्वायर क्योंकि एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, माइनस लैम्डा एक्स एफ इनवर्स एक्स एफ एक्स, तो एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स. ठीक है, तो इससे तो ये कैंसिल, सीधे ये कैंसिल, तो इसको उधर ले जाता हूँ, तो लैम्डा एक्स एफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर एफ एक्स. ठीक है, अब देखो ऊपर क्या बोल रहा है, ऊपर ये बोला गया है कि अ नॉन जीरो फंक्शन एफ एक्स, मतलब एफ एक्स जीरो नहीं है. ठीक है, तो एफ एक्स नॉन जीरो फंक्शन है, तो इसका मतलब मैं एक एफ एक्स से कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि एफ एक्स नॉन जीरो है, तो इससे मैंने कैंसिल कर दिया, कैंसिल किया. दिस इम्प्लाइज लैम्डा एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, तो लैम्डा एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स. ठीक है, तो ये आ गया लैम्डा एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स, मेरे पास फाइनल रिजल्ट मेरा ये आ गया. ठीक है, अब इसका केवल एक मतलब, इसका मतलब ये हो सकता है कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, एफ एक्स एक्स है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थ्री. अब मैं अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स चेक करूँ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स का मतलब होता है वाई इक्वल टू एक्स, तो ये सिमेट्रिकल तो है ही, वाई इक्वल टू एक्स लाइन के अराउंड सिमेट्रिकल ये फंक्शन होता ही है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये फंक्शन हो सकता है, तो इसकी वजह से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, लैम्डा इज इक्वल टू थ्री, तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर ये हो जाएगा.